Hello everyone, welcome back and let's continue with coordinate geometry. इसमें हम centers of triangle कर रहे थे, सारी चीजें हमने कर ली. फिर last आपको एक मैंने अच्छा से shortcut type की चीजें बताई जो काफी useful होती हैं. And now we are going to solve some questions. Let's take 2, minus 1, minus 1, 2 and minus 1, minus 1. You need to find ortho center, circum center, centroid and in center. So how do we proceed? So the idea is, okay, I'm going to draw the proper graph because drawing is very important in regular questions. 2, minus 1, 1, 2, minus 1. -1, -1, 2. You have to make sure कि x axis और y axis का जो स्केल है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए. -1, -1, that is this point. तो ड्रॉ करोगे तो जो ट्राइंगल है that looks comes out to be what? Right angle isosceles. राइट एंगल तो है साथ में आइसोसेलस में. सो इन दिस केस अगर आपसे पूछा भाई ऑर्थो सेंटर क्या है तो कुछ करना है नहीं, आंसर आ चुका है. एंड ऑर्थो सेंटर इज -1, -1, राइट एंगल्ड वर्टेक्स. सर्कम सेंटर क्या है? कुछ नहीं करना है, आंसर आ चुका है. मिड पॉइंट ऑफ दीज टू, दैट इज a + b/2, 1/2, 1/2. देखोगे भी तो पता चलेगा कि ये 1/2, 1/2 है क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट है. ये आपका h हो गया -1, -1. सेंट्रोइड क्या है? वो भी आ चुका है. क्या? x1 + x2 + x3/3, मतलब 2 -1, -1, 0/3 करने की जरूरत नहीं है. y1 + y2 + y3/3, वापस से क्या आ गया? 0. मतलब सेंट्रोइड इज एट ओरिजिन. सो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ये डायग्राम नहीं बनाएंगे तो इट इज गोइंग टू टेक हेल लॉट ऑफ टाइम. सो ऑलवेज ड्रॉ दिस. एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन लिया है, दिस इज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ. सो स्टैंडर्ड इज कि a, b, b, a and a, a. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, a, b, b, a and a. तो आसानी से यू विल बी एबल टू फाइंड एवरीथिंग. इन सेंटर की बात है, इन सेंटर में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है. डिस्टेंस क्या है? ये 2 है, ये 1 है, तो ये 3 हो गया. ये 2 है, ये 1 है, तो ये 3 हो गया. ये 3 है, ये 3 है, तो ये 3√2 हो गया. सो इन सेंटर विल बी व्हाट? अब फिक्स करना है आपको एबीसी, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं. दिस उसके सामने वाला 6, ये इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई होगा -3, थर्ड उसके सामने मल्टीप्लाई होगा -3√2 अपॉन 3 + 3 + 3√2. a (x1) + b (y1) + c (z1) / a + b + c. y की बात करते हैं, 3 - 1, 3 - 2, 3√2 - 1 / 3 + 3 + 3√2. दैट इज योर आई. एक सेंटर की एक्सेस को जरूरत नहीं है, जब पूछा जाएगा तो बस इसमें प्लस माइनस करेंगे एंड वी गेट द आंसर. सो दिस वे वी विल बी एबल टू फाइंड द क्वेश्चंस वेरी इफिशियंटली. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो मोस्टली क्वेश्चंस विल बी राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो बहुत जल्दी आपको आंसर्स मिल जाएंगे. हो सकता है किसी क्वेश्चन में राइट एंगल ना हो. अगर आपने ड्रॉ किया राइट एंगल नहीं मिला तो क्या करोगे? फिर से ट्राई करो. आपने कुछ गलत ड्रॉ किया होगा, राइट एंगल ही होगा, क्योंकि राइट एंगल हुआ तो आपका लाइफ सेट, नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होने वाली है. सो ऑलवेज रिमेंबर कि ट्राइंगल शुड बी राइट एंगल. तो कोशिश करोगे, अगर नहीं राइट एंगल दिख रहा है कुछ गलती होगी, चेक करोगे पता चल जाएगा, बिकॉज मोस्टली दे आर राइट एंगल. अब अगर राइट एंगल नहीं है
तो क्या हो सकता है? तो हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो कुछ भी पूछा हो सेंट्रोइड फाइंड कर लेना, या जो भी आसान हो फाइंड करना। नाउ यू विल से कि सेंट्रोइड ही हमेशा आसान होता है, नॉट लाइक दैट, कभी कभी सर्कम सेंटर भी आसान होता है। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है उस पर डिपेंडेंट है। तो अगर इक्विलेटरल है तो जो भी फाइंड कर सकते हो फाइंड कर लो, वही एच होगा, वही जी होगा, वही आई होगा और वही ओ होगा। एक और क्वेश्चन जो एक बार नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पूछा गया था, वन पॉइंट इज ओरिजिन, वन पॉइंट इज 4,0 एंड वन पॉइंट इज 3,1 ले लेते हैं। दिस इज अ ट्राइंगल 0,0, 4,0 एंड 3,1। इसमें आपको ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है तो आपको मेथड पता है, ए एच इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बी एच इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। उसमें से कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। वॉट आई एम गोइंग टू डू इज फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ द एल्टीट्यूड्स। एक ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला कैसे ड्रॉ करें? ये 90 डिग्री तो कहीं भी नहीं सेट हो रहा है, दिस इज नॉट 90, मोर देन 90 है एक्चुअली। क्या स्टोरी है, क्या करें? तो एक्चुअली में इट इज नॉट ऑलवेज इनसाइड। ट्राइंगल की साइड को एक्सटेंड करते हैं, वॉट आई विल गेट एज ए राइट एंगल इज दिस। ये देखो ये 90 हो गया। तो हमेशा अंदर नहीं बाहर भी एल्टीट्यूड हो सकता है, ऐसा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में होते हैं। तो दिस इज योर ऑर्थो सेंटर। अब तो ए बी सी, ए एच इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बी एच इज परपेंडिकुलर टू सॉरी सी एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बी एच इज परपेंडिकुलर टू ए सी। बट हमें तीनों करना नहीं है, कोई एक करना है। तो आई विल टेक ए एच परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी एच, या मैंने चलो ठीक है सी एच लिख रहा है तो सी एच परपेंडिकुलर टू ए बी। इसका यूज करेंगे, एच को अल्फा बीटा मानेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात समझो, ये लाइन वर्टिकल ही तो है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये वर्टिकल हुआ, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 है। अब आपको एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ी, बिकॉज वी हैव ओनली वन अननोन। देख दो वर्टिकल लाइन है, हर जगह एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो ए एच, ए एच का स्लोप आएगा बीटा माइनस 0 अपॉन 3-0। बी सी, बी सी का स्लोप आएगा 1-0 अपॉन 3-4। तो बीटा इंटू 1 इक्वल टू -1 -1 3, दैट इज 3। तो पॉइंट क्या मिला हमें, 3,3 इज द ऑर्थो सेंटर, दैट्स इट। तो अभी तक जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेंटर्स के बारे में वो ये है कि राइट एंगल नहीं है। कोई बात नहीं, राइट एंगल नहीं है, लेकिन फिर भी काम अपना बहुत आसान हो गया। अगर राइट एंगल लगा भी दोगे तो भी आंसर यही आना है, थोड़ा काम आपने ज्यादा कर लिया, इट्स लाइक दैट ओनली, दैट्स इट। इतना ही डिफरेंस है। सो ऑलवेज रिमेंबर, डायग्राम्स आर गोइंग टू हेल्प यू बिग टाइम। नहीं अगर डायग्राम बनाओगे तो पूरा प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। नाउ सम अदर इंफॉर्मेशन, ये जो एच जी आई और ओ की बात कर रहे हैं और क्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑल इनसाइड, सारे के सारे सेंटर्स इनसाइड जो ट्राइंगल होते। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जी और आई इनसाइड होते हैं, एच और ओ आउटसाइड होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में
जी और आई इनसाइड होते हैं, एच और ओ ऑन द ट्रायंगल होते हैं। याद करो ट्रायंगल का जो राइट एंगल वर्टेक्स था वो एच था और हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ओ था। तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में और राइट एंगल ट्रायंगल में एच जी आई ओ की बात करें तो सारे के सारे इनसाइड होते हैं फॉर अक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज में ये दो अंदर बाहर और ये दोनों अंदर, राइट एंगल में ये दोनों अंदर और ये दोनों ऑन। मतलब जी और आई तो इनसाइड ही है। क्यों? जी होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस, पूरा का पूरा मीडियन ट्रायंगल के अंदर होता है। मीडियन को 2:1 में इंटरनल डिवाइड करो तो अंदर ही आएगा। आई की बात करते हैं, पूरा ई सर्कल ट्रायंगल के अंदर होता है तो उसका सेंटर भी ट्रायंगल के अंदर होगा, लेकिन बाकी के दोनों आपको ध्यान रखने हैं, अक्यूट एंगल में इनसाइड, ऑब्ट्यूज में आउटसाइड और राइट एंगल में ऑन द ट्रायंगल। तो दीज आर सम अदर इंफॉर्मेशन अबाउट एच जी आई एंड ओ। वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।